अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। अभी तक हमने परिमेय संख्याओं का दार्शनिक रूपांतरण करके देखा, जैसे 9/18 बराबर 0.5, 7/6 बराबर 1.166 .. बराबर 1.16 बार। इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि इनका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ति होता है। क्या कुछ ऐसी संख्याएं सोच सकते हैं जो अशांत हो पर आवर्ति नहीं, जैसे 1.414213 .. 1.7320508 .. 2.23607974 .. जैसा कि आप देख सकते हैं कि उपर्युक्त संख्याओं में दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता तथा पुनरावृत्ति खंड भी नहीं है। इन्हें अशांत अनावर्ती कहते हैं। ऐसी कुछ संख्याएं और देखें। इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसी प्रकार वर्गमूल 3 बराबर 1.73205008075 .. वर्गमूल 5 बराबर 2.23607 .. इन्हें भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अर्थात वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, उनका वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी वर्गमूल 4, वर्गमूल 36 परिमेय संख्या हैं, क्योंकि वर्गमूल 4 बराबर 2 बराबर 2/1 तथा वर्गमूल 36 बराबर 6 बराबर 6/1, परंतु वर्गमूल 3 व वर्गमूल 7 परिमेय संख्या नहीं हैं। करके देखें, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की पहचान कीजिए। पहला वर्गमूल 6, दूसरा वर्गमूल 7, तीसरा ऋण वर्गमूल 25, चौथा ऋण वर्गमूल 8, पांचवा वर्गमूल 9, छठवा वर्गमूल 9/16। पाई, पाई बराबर 3.14159265389 .. पाई एक अपरिमेय संख्या है जो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। पाई बराबर परिधि बटे व्यास बराबर C/D। क्या इसका अर्थ यह है कि परिधि या व्यास दोनों में से कम एक संख्या अपरिमेय है, या ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसे व्यास में गुणा करने पर परिधि प्राप्त हो। हम प्रायः पाई का मान 22/7 लेते हैं, लेकिन यह पाई का लगभग मान है। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण। हमने देखा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। क्या संख्या रेखा पर इन अनेक परिमेय संख्याओं के बाद कोई जगह खाली रह जाती है? अगर परिमेय संख्या भी संख्या रेखा पर अंकित हो सकती है, तो यह मानना पड़ेगा कि परिमेय संख्याएं पूरी संख्या रेखा को नहीं ढकती। हम देखते हैं कि वर्गमूल 2 का संख्या रेखा पर कैसे स्थान निर्धारित किया जा सकता है।